हाल ही में चंडीगढ़ के टैगोर थिएटर में भारतीय कला और कलाकारों को समर्पित जश्न अदब साहित्य उत्सव कल्चरल कारवां 2023 का आगाज किया गया। ये फेस्टिवल बीते 2 दिन यानी शनिवार 4 मार्च और रविवार 5 मार्च को मनाया गया, जिसमें पीयूष मिश्रा, रेखा जौहरी, गुलाम हसन खां, गुलाम अब्बास खां जैसे कई नामी हस्तियों ने शिरकत की। फेस्टिवल का आगाज श्री धर्मपाल सिंह, एडवाइजर यूटी एडमिनिस्ट्रेटर चंडीगढ़, श्री मनिंदर सिंह बेंस, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ असम, कुंवर राजपूत सिंह चौहान, पोएट फाउंडर जश्न अदब साहित्य उत्सव द्वारा किया गया। फेस्टिवल के पहले दिन मशहूर एक्टर, राइटर, सिंगर पीयूष मिश्रा की ऑटोबायोग्राफी से आगाज किया गया, जिसके बाद कथक और मुशायरा इस दिन की शान बने। वहीं दूसरी ओर जहां एक तरफ सर्वपल्ली राधाकृष्णन अवार्ड सम्मानित गुलाम हसन खां साहब, गुलाम अब्बास खां ने अपनी कला से लोगों को कायल किया, तो डायरेक्टर संजीव जौहरी के प्ले सैया बेईमान ने शाम की शान बढ़ाई। फेस्टिवल के अंत में चंचल भारती ग्रुप द्वारा शानदार कवाली की गई। मौके पर चैनल लाइव अपडेट के साथ बातचीत करते गुलाम हसन खां साहब ने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। इस इवेंट में हमारी मुलाकात हुई है सर्वपल्ली राधाकृष्णन अवार्ड से सम्मानित गुलाम हसन साहब से। नमस्कार। नमस्कार। सर, ये जो इवेंट हुआ है यहाँ पर, आई बिलीव चंडीगढ़ में अपने आप में ऐसे इवेंट्स काफ़ी होते रहते हैं, आपका इस इवेंट के बारे में क्या कहना है? सबसे पहले तो ये इवेंट मैं काफ़ी समय से देखता आ रहा हूँ। दिल्ली में बहुत ही नायाब नाम है इस इवेंट का, जश्न अदब। ये दिल्ली बेस्ड है इवेंट। पहली बार मैं देख रहा हूँ कि इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ये पहली बार चंडीगढ़ में हो रहा है जिसमें मैं परफॉर्म कर रहा हूँ। मेरे वालिद साहब उस्ताद गुलाम अब्बास खान साहब भी परफॉर्म कर रहे हैं, तो काफ़ी खूबसूरत ये इवेंट है और काफ़ी कल्चरल है। सर, मेरा एक सवाल है, जैसे अभी हमने आपकी मौसीकी सुनी जी, इतनी ज़्यादा मेस्मराइजिंग थी। शुक्रिया। मतलब मुझे हैरान की हो रही थी ऑनेस्टली कि हमारी आज की जो जनरेशन है, जिसको हम वन टाइम स्क्रॉलर कह सकते हैं कि हम इतने सोशल साइट्स आ गए हैं, चीज़ें स्क्रॉल करते हैं, स्किप कर देते हैं, कहीं ना कहीं जो म्यूज़िक है उसको हमारा सोल माना जाता है जी। क्या रीज़न हो सकता है कि ये जनरेशन इतनी डेप्थ से या इतने सोल से इतना दूर जाते जा रही है? क्योंकि इंस्टाग्राम पे मुझे बहुत लोग फॉलो करते हैं, मुझे ऐसा पहले लगता था कि दूर जा रहे। हाँ देखिए, ये अपब्रिंगिंग की बात होती है, हम लोग जनता को भी जो है वो दोष नहीं दे सकते। मेरे कुछ ऐसे भी फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स हैं जिनको इस संगीत के बारे में यानी शास्त्रीय संगीत के बारे में कुछ ज़्यादा तहजीब नहीं है सुनने की। वो लोग बॉलीवुड में या कुछ पंजाबी सॉन्ग्स को सुनना पसंद करते हैं, लेकिन अदर देन दिस बहुत सारे लोग, यानी कि अगर 100% में से देखा जाए तो 60% लोग जो मुझे फॉलो करते हैं वो मेरे म्यूज़िक को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो मुझे अब पहले लगता था एक ज़माने में कि ऐसा नहीं है, और मुझे लगता था कि लोग पीछे हटते जा रहे हैं, बट अभी ऐसा नहीं है। लोगों की विलिंग और अच्छा संगीत सुनने की इच्छा और सीखने की इच्छा अब बढ़ रही है, तो ये बड़ी अच्छी बात है। जैसे जैसे हम कहते हैं कि हमारी ऑडियंसेस इवॉल्व करती हैं, ग्रो करती हैं, क्या इसी तरह से हमारी म्यूज़िक जो है, चाहे हम अपने बॉलीवुड की बात की एक उसका अलग किस्सा है, चाहे हम ट्रेडिशनल क्लासिकल म्यूज़िक की बात करें, क्या इसमें भी इस तरह से इवॉल्वमेंट आती है या आ रही है? आ रही है। और जैसे बॉलीवुड म्यूज़िक है, अब देखिए बॉलीवुड म्यूज़िक के बारे में बात करना जो है वो अभी ये सही समय है नहीं, क्योंकि यहाँ कुछ ज़्यादा ही अभी बॉलीवुड में जो म्यूज़िक बन रहा है वो उस डिफरेंट टाइप का अब हो गया है, क्योंकि आपको भी पता है कि अब से 90s में या 80s में या 70s में जो रफ़ी साहब जी और लता मंगेशकर जी जो करके गए हैं म्यूज़िक में, उस चीज़ से अगर अभी हम बॉलीवुड को देखेंगे तो वो तो कोई ज़मीन आसमान का भी फ़र्क नहीं है। बट क्लासिकल म्यूज़िक की अगर हम बात करें तो उसमें जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ का चेंज हुआ है, वो ये हुआ है कि लोग पहले एक एक घंटा या डेढ़ डेढ़ घंटा क्लासिकल म्यूज़िक को सुनते थे, प्रॉपर समझते थे। अभी वो थोड़ा टाइम ड्यूरेशन के ऊपर ज़्यादा पहुंच गई है चीज़। 45 मिनट्स, 50 मिनट्स कट आउट होना, ये चीज़ें जो है वो थोड़ा अफेक्ट कर रही हैं। बट ये जो है ज़माना काफ़ी देखिए अब आगे बढ़ता जा रहा है, तो उसमें आजकल लोग, ये भी एक एक समझ लीजिए कि एक ड्रॉबैक है ये, बट इसका पॉजिटिव साइड भी देखेंगे। ड्रॉबैक ये है कि कट डाउन हो रही है परफॉर्मेंसेस, 10-10 मिनट या 15-15 मिनट शॉर्ट हो रही है परफॉर्मेंसेस। बट अदर देन दिस, जो इसका जो पॉजिटिव पॉइंट है, जो पॉजिटिव आउटकम है, वो ये है
कि उस हिसाब से काफ़ी लोग, कुछ लोग एक घंटे में भी जो है वो ज़्यादा चीज़ें सुनना चाहते हैं, तो लोगों की कहीं ना कहीं जो है वो उम्मीद, मोहब्बत और चाहत जो है वो शास्त्रीय संगीत के लिए अभी भी कायम है, और मैं दुआ करता हूँ कि आगे भी बरकरार रहे। जी, आपने एक बात बहुत अच्छी कही है कि बहुत सारी चीज़ें हमारी परवरिश पे डिपेंड करती हैं। मेरे ख्याल से आपका जो घराना है रामपुर घराना, जी, तो बचपन से आपने एक क्लासिकल एनवायरनमेंट में आप रहे हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से क्लासिकल म्यूजिक की तरफ आपकी जो एक अटैचमेंट होगी, एक खींच होगी, वो बहुत स्ट्रांग रही है। उसी तरह से आजकल के जो बच्चे हैं वो पेरेंट्स उनको रील्स की तरफ ज़्यादा प्रमोट करते हैं या छोटी इस तरह से इंस्टाग्राम या सोशल साइट्स पर ज़्यादा करते हैं। कहीं ना कहीं ये आपने बिल्कुल सही कही कि अगर हमारी परवरिश एक रूट्स के साथ अटैच्ड हमें मिलेगी तो शायद हम अपने क्लासिकल ट्रेडिशंस को जिंदा रख पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बेशक। आपका हमारे चैनल के साथ, हमारे दर्शकों के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू।